तो दोस्तों, यहाँ लिखे ये वर्ड नेपोलियन हिल द्वारा दिए गए, बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ बातों को ऐसे निकाल के बता रहे हैं। शब्द बहुत कम हैं लेकिन काम बहुत करने वाली ये वर्क हैं। इन्होंने कहा है कि प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। ज़्यादातर हम कोई भी काम अगर करने की प्लानिंग करते हैं तो या तो हम प्लानिंग करते हैं या फिर हम प्लानिंग नहीं करते हैं। मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में जो बात कही गई है, सेंटेंस एक ही है लेकिन इनमें जो दो बातें कही गई हैं, इन दो बातों में से एक बात का ही ध्यान रखा जाता है। और जो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ वो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने वाली बात है कि हमें दोनों बातों पर काम करना है। और उन दोनों बातों में आज फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेपोलियन हिल जी के इन शब्दों को आगे बढ़ाते हुए। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजय है और अन अकेडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको उन स्पेशल रूल्स को, उन स्पेशल टिप्स को डिस्कस करने वाला हूं जिन टिप्स का यूज़ करके आप इंग्लिश को सरल बना सकते हैं। आप ये मान के चल सकते हैं कि आप हर एग्ज़ाम में इंग्लिश को बहुत इजीली फिर निकाल सकते हैं। वो नियम कुछ अलग नहीं हैं, हो सकता है बहुत सारे वो जो उनके जो टिप्स हैं वो आपको ऑलरेडी ही पता थे, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इन टिप्स पर एक छोटा सा रिव्यू लगाकर उन टिप्स पर काम करने वाले हैं। ऐसी में उम्मीद आप लोगों से लगाकर इस वीडियो को लेकर आया हूँ जो एमपी से जुड़े सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बाधा बनी होती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, जो सोचते रहते हैं कि इंग्लिश मेरा वीक सब्जेक्ट है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी वीकनेस वो होती है जब हम काम नहीं करते हैं। अगर हम काम करना चालू कर देते तो हर वीकनेस जो होती है वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बात मैं आज लेकर आया हूँ वो है इंग्लिश ग्रामर लर्निंग के वो 10 टिप्स। उसमें से पहला टिप्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि आज हमने पानी डाला और कल पेड़ बड़ा होकर हमें फल तुरंत दिखने लगता है। ऐसा शायद अभी पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हर एक चीज़ प्रोसेस के थ्रू ही आगे बढ़ती है। तो इंग्लिश के लिए वर्क करने के लिए मैं पहले इस बात को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला काम है कि आप उसमें पहले अभी उस प्लांट के लिए जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं, उस इच्छा के लिए जिससे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उस पर पहले पानी डालिए, मतलब उसको न्यूट्रिशन दीजिए। मतलब आप काम तो करिए, बढ़ेगा पक्का, स्पीड तो बढ़ेगी और फिर हम ज़रूर ज़रूर उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, उन फलों को प्राप्त कर पाएंगे जिनकी हम उम्मीद रखते हैं। तो पहली टिप्स यहाँ पर आती है क्या, मेक रीडिंग हैबिट। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए जो है, सभी लोग जानते हैं इसको कि जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, आपके पास वर्ड्स कहाँ से आएंगे, कनेक्टिविटी कहाँ से जुड़ेगी। तो वर्ड्स आते हैं रीडिंग से और रीडिंग से आपको ग्रामर पर जो बाकी, क्योंकि ग्रामर पूरा जितना भी आपका इंग्लिश लर्निंग है वो दोनों चीज़ों पर बेस्ड है, एक आपकी रीडिंग और एक आपकी ग्रामर और दूसरी आपकी वोकैब। आप ग्रामर में हमेशा हमारे स्टूडेंट से कहता हूँ बस दो चीज़ें हैं, एक ग्रामर आपकी गन है और वोकैब आपकी बुलेट्स हैं। ये काम कब करेंगी, जब आपके पास दोनों चीज़ें वर्क कर रही हों, आपकी गन भी अच्छी हो और साथ ही साथ आपके पास बुलेट की मात्रा भी अच्छी हो। मतलब आपके पास वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये रीडिंग हैबिट्स अगर आप डालना चालू कर देते हैं तो आई प्रॉमिस माई डियर स्टूडेंट्स कि धीरे धीरे आपके पास, आप एक वर्ड को तुरंत नहीं सीख सकते, एक वर्ड आपको जैसे मिलता है फिर आप कई बार फिर आप 4-5-8 पेज पढ़ेंगे, फिर आपको वर्ड रिपीट होगा, तब आपको वो वर्ड जो है याद होना चालू होता है और फिर 1-2 दिन बाद कभी आप फिर कुछ पढ़ रहे होते हो फिर वो वर्ड रिपीट हो जाता है। तो आप उस माहौल में, एक्चुअली होता क्या, हमारे पास माहौल नहीं है इंग्लिश का ज़्यादा, तो इंग्लिश के माहौल को हमें बढ़ाना होता है कैसे, सबसे पहला जो मेरी टिप्स है रीडिंग हैबिट्स की। सो प्लीज़ अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए 20 मिनट्स रीडिंग हैबिट्स। 20 मिनट हम पढ़ेंगे इंग्लिश चाहे कुछ भी हो। तो इंग्लिश इंप्रूवमेंट की पहली जो मेरी टिप है वो है कि आपके लिए क्या करना है, पहली ट्रिप में आपको रीडिंग करना है। दूसरी मेरी जो ट्रिक है ये मैं कहना चाहता हूँ, टेक फर्स्ट स्टेप। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम पहला स्टेप ही नहीं लेना चाहते, हमें ये लगता है कि अब हम स्टेप कल से लेंगे, हम ये काम परसों से करेंगे। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन, टाला मटोली करना, आगे बढ़ाना चीज़ों का। सो यहाँ पर मार्टिन लूथर जी ने कहा है, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयर्स, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। स्टार्ट तो कीजिए, आज से ही चालू करें, रीडिंग हैबिट्स को डालिए, जो भी आपके लिए और काम में इंग्लिश के अभी बता रहा हूँ करना चालू कीजिए आज से ही। दूसरा
बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ आती है वो डोंट ट्राई टू रीड सो मैनी वर्ड्स एट वंस, मतलब उनको ऐसा लगता है कि शायद डिक्शनरी जैसे, कई बार मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने क्या किया, पूरा एक सिनोनिम्स का या एंटोनिम्स का एक लिस्ट उठाया और पढ़ने लग गए, और फिर क्या होता है तुरंत आप एक मिनट, ऐसा नहीं है स्कैनर नहीं लगाया आपके पास कि बस उसको जल्दी जल्दी से स्कैन कर लेगा, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ कभी थोड़ा पढ़ें, फिर कभी फिर थोड़ा पढ़ें, फिर कभी फिर उसको, जब रिपीटेशन होगा तब वो वर्ड्स आपके साथ जुड़ेंगे। इस मैंने कहा ये क्या है पेन, एवरीबडी नोज, क्योंकि इसको हमने कई बार यूज़ कर लिया है, हम उन शब्दों को जिनसे फैमिलियर होते जाते हैं वो हमारे लिए कॉमन हो जाते हैं। वो हुए कब कॉमन, जब हमने इस वर्ड को कई बार यूज़ किया है, बस वो चीज़ वहाँ पर आती है। एक बार में आप बहुत सारे वर्ड लाओगे यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। सो डोंट यूज़ सो मैनी वर्ड, डोंट लर्न सो मैनी वर्ड एट वंस, कोशिश करें हम धीरे धीरे करके सीखें, कुछ आज पढ़ें और कल जो पढ़ें तो उनको आगे बढ़ते हुए फिर आगे पढ़ें, फिर धीरे धीरे करके आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन होता जाएगा और फिर वो वर्ड्स आपके काम में आते चलेंगे और सेंटेंसेस में इनका यूज़ भी करते चलें, ठीक है। चलिए अब अगली टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो है डोंट स्टक एट वंस प्लेस। कई बार क्या होता है हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, हम कुछ भी कुछ ग्रामर का रूल्स पढ़ रहे होते हैं या सपोज हम कोई पैसेज में को सॉल्व कर रहे होते हैं कोई कंप्रेंशन में कहीं पर, तो हमारे पास क्या होता है कहीं पर एक कोई डाउट आ जाता है तो हम वहीं पर स्टक हो जाते हैं और हम उस डाउट्स के कारण कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे वे से, और हम सोचते हैं अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, अब एक काम करते हैं, अब अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा, और वहाँ पर हम बिल्कुल सोचते रह जाते हैं यार क्या है क्या है क्या है। हमें क्या होना, जो हाँ स्टक हो जाते हैं ना उसको फिर छोड़ दो, फिर आगे बढ़ जाओ। अब जहाँ स्टक हुए थे वो जगह फिर हो सकता आगे आपको फिर मिल जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे जब उसका दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप उस शायद उस वर्ड की प्रॉब्लम को या उस कहना चाहिए स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को फिर समझ पाएंगे, बस ये नहीं कि जहाँ पर फंसे वहीं पर रुक गए, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, हमें रीडिंग हैबिट्स में सबसे बड़ी जो हमारे स्टूडेंट्स को हम डालना चाहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम जब भी उनसे बोलते हैं कि आज आपने पढ़ा कुछ, हाँ सर 5 मिनट पढ़ा 10 मिनट पढ़ा, तो उसके बाद क्यों रुके, सर थोड़ा पता नहीं पता कुछ समझ में नहीं आया तो दूसरी जगह चले गए, तो मतलब क्या होता है कुछ भी डाउट आया कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो फिर उसको हम स्किप कर देते हैं, हम सोचते हैं अब बाद में करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम स्टक होने पर वहाँ पर रुक जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, लर्न रूट वर्ड्स। अगर आप वोकैब की बात करें, वर्ड का इंप्रूवमेंट आपको करना है, तो एक रूट वर्ड को पकड़िए, उसके आगे पीछे की चीज़ों को समझ के चलिए। वर्ड रूट वर्ड्स से सीखने में आपको क्या मदद मिलेगी, मेरे एक दोस्त हैं उसका एक अजीब सा कि उसकी कहना चाहिए कि उसकी आदत है, आप उसको कोई नया वर्ड बताएंगे वो कहेगा अच्छा स्पेल का, उसको स्पेलिंग क्या होगी, आप उसको स्पेलिंग बताएंगे, मतलब ऐसा नहीं हम में से बहुत सारे लोगों की आदत है कोई वर्ड मिला हाँ ठीक है वी डोंट नो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ दैट, हम कभी बात ही नहीं करेंगे ना शायद उसके बारे में, वो क्या करेगा अच्छा चाहिए उससे, मतलब उसमें क्या होता है आपके पास वर्ड्स की कहीं ना कहीं से वर्ड लिंक्ड होते हैं, किसी वर्ड से दूसरा वर्ड बनता है या कुछ उसकी और कनेक्टिविटी होती है, तो हमारे दिमाग में एक सेटअप आ जाता है अच्छा अच्छा ये उसका है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कम्फर्ट, ये अन से आ जाएगा या कंफर्टेबल आएगा या अनकंफर्टेबल आएगा, तो ये क्या है मेन वर्ड है रूट वर्ड, आगे पीछे के वर्ड उसमें जुड़ जाते हैं, तो आपके लिए क्या है रूट वर्ड को सीखना ज़रूरी होता है। हम अनकंफर्टेबल अलग से सीखें, फिर कंफर्टेबल और अलग से सीखें, फिर एक अनकंफर्ट अलग सीखें, तो ये सब आई डोंट थिंक कि अब इतना सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कि लर्न फ्रॉम रूट वर्ड्स। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक लर्निंग ईजी। एक सिंपल सी बात आपसे कहना चाहूँगा, आप लोगों ने भी बहुत बार उसको नोटिस किया होगा, मैं इंग्लिश की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, आपके किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँगा। एक वो चैप्टर उठाकर देखिए, मान लीजिए आप किसी भी स्टूडेंट से जिसके आपने देखा होगा कि अगर वो 8th क्लास का है और उसको 6th क्लास की बुक दे दी जाए तो वो ईजीली उसको पढ़ता है बिंदास। चलिए वो तो एक अलग बात होगी, सर आप ये कह देंगे सर उसकी लेवल से नीचे वाली थी तो उसको मजा आ रहा है। आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, किसी को भी न्यूज़पेपर दे दीजिए, वो मतलब चलते फिरते कभी भी उठाकर न्यूज़पेपर डाला होगा तो आप पढ़ने लगोगे और उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर होने लगती हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको ये प्रेशर नहीं है कि न्यूज़पेपर में पढ़ी जाने वाली खबर जो है वो बहुत ज़्यादा कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछी जानी है, आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, आपको उसको वैसे लिखना है, उसका पूरा एक टू पूरी चीज़ों को समझ समझ के आपको करना है, तो आपका ब्रेन जो होता है उसको समझ लेता है। जब ब्रेन के लिए 5-6 चीज़ें एक साथ डाली जाती हैं तो फिर उस पर प्रेशर आता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, इंग्लिश में लर्निंग को पहले नंबर तो इजी लो, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें इतना प्रेशर लेके मत पढ़ो कि वो पढ़ने में आपका मन ही नहीं लग रहा है। तो हमारे साथ क्या होता है, जब हमारा एग्ज़ाम पास में आता है हम तभी अपनी हमारी स्टडी जो है उसको स्टार्ट करते हैं और तभी हम कहते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी जैसे कोई एग्ज़ाम, अभी मान लीजिए कोई एग्ज़ाम नहीं है तो आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन में कोई कॉल नहीं रहता है,
और कोई स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता कि अभी मुझे इंग्लिश सीखना है। अब जैसे मान लीजिए अभी कल परसों कभी भी एक एग्ज़ाम की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है, बस दूसरे दिन से सर इंग्लिश की क्लास कब स्टार्ट हो रही, सर इंग्लिश की क्लास कब स्टार्ट हो रही। हम पूछेंगे कब है एग्ज़ाम की डेट आ गई क्या? हाँ सर कब है? सर 2 महीने बाद, सर 45 दिन बाद। अब बताइए क्या चीज़ें इतने कम समय में कंप्लीट की जा सकती हैं? तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम उसको जानबूझकर उस समय पर उसको ले जाना चाहते हैं जब हम उसको टफ बनाएं। तो हमारा कहने का मतलब ये, उसको पहले सिंपल लो, अभी से स्टार्ट करें लर्निंग, और हमेशा उसको इजीली वे में लेते जाइए। वो आपको पता नहीं चलेगा कब फिनिश हो जाएगा आपकी लर्निंग की वो प्रोसेस। अगला 7वां आपका रूल है यूज़ ग्रामर डेली। आपने कोई स्ट्रक्चर सीखा, कोई भी स्ट्रक्चर सीखा, अब स्ट्रक्चर को आपने यूज़ ही नहीं किया, या आपने बस एक बार पढ़ा, हाँ, इसका रैदर देन का यूज़ ऐसे करते थे और अपने बस निकल गए, फिर अगला पढ़ा, फिर और अगला पढ़ा, आप ग्रामर के रूल पढ़ते जा रहे हैं, रूल पढ़ते जा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो आपको ज़्यादा समय तक मदद देने वाले हैं, एक दिन फिर वो भी निकल जाएंगे जो आपने अभी कुछ ही समय घंटों पहले पढ़े थे। अच्छा यूज़ ये होता है कि आपने जो सीखा है उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी करें, मतलब कभी कभी आप उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस भी बना लिया करो। तो ये क्या होते हैं, आपको उन चीज़ों को याद दिलाते हैं। एक सेंटेंस मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी स्ट्रक्चर, ग्रामर स्ट्रक्चर सीखा, उससे रिलेटेड एक आध दो सेंटेंस ऐसे रखें जो कॉमनली हमारे उससे जुड़े हुए होते हैं या किसी इंसिडेंट से जुड़े हुए होते हैं, तो इनको जरूर रखा करो। ठीक है, जैसे मुझे याद है जब मैंने एक स्ट्रक्चर सीखा था, मेक स्ट्रक्चर। मेक स्ट्रक्चर में मेरे जो गुरुदेव थे उन्होंने सिखाया था कि मेक के बाद आप क्या लगाइए, ऑब्जेक्ट और वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये फर्स्ट सेंटेंस आता है जब कोई चीज़ करवाने के लिए होता है। ठीक है, तो मुझे याद है एक समझाने वाला सेंटेंस उन्होंने सिखाया था कि मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाइए। तो उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि समझाने समझने के लिए तो अंडरस्टैंड होता है, लेकिन समझाने के लिए मेक हिम अंडरस्टैंड, मतलब उसे समझाइए। ये स्ट्रक्चर का जो सेंटेंस था उसका स्ट्रक्चर याद नहीं होता था मुझे कि मेक हिम फिर मेक फिर ऑब्जेक्ट फिर कौन सा फॉर्म आता है। ये मुझे मैंने क्या किया, मैंने उस एक सेंटेंस को याद रखा है, आज भी याद आ जाता खट से कि मेक हिम अंडरस्टैंड। तो बस उसमें क्या होता, अब कभी भी इस टाइप के सेंटेंसेस आते तो मुझे याद आ जाता, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है, अंडरस्टैंड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने सीखा और उनका यूज़ भी कर दिया करें आपके कहना चाहिए डेली लाइफ में। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, आप कोई भी चीज़ को जैसे मान लीजिए ऐसा कभी होता है कि आप कहें कि ये वाला हाथ तो मैंने 3 दिन से यूज़ नहीं किया। भाई आपकी बॉडी पार्ट्स के जैसे इंग्लिश भी यूज़ में लाइए ना, सब चीज़ें यूज़ में होनी चाहिए, जब ज़रूरत पड़ी तब जब का यूज़ करो, तो वो कॉमनली हो गए। अब जिस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे तो वो तो पीछे जाएगी ना। चलिए अगली टिप है, ट्रिप यूज़ टेबल एंड चार्ट। टेबल और चार्ट के रूप में अगर आप किसी चीज़ को लर्न करेंगे तो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बननी चालू हो जाती है, अच्छा ऐसा ऐसा होता है। तो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट इंग्लिश ओनली, ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी मदद करता है। इंग्लिश में भी स्ट्रक्चर से या किसी चीज़ का जो आप कुछ ऐसा लगता है भूलने वाली चीज़, तो उसके चार्ट वगैरह से आप और अच्छे तरीके से इसकी लर्निंग कर सकते हो और आपकी स्पेशली वोकैब के इंप्रूवमेंट में आपको ये काफ़ी मदद देती है चार्ट और टेबल वगैरह। वैसे टेंस वगैरह है उसकी टेबल बना के आप उसको जल्दी जल्दी से आप उसको लर्न कर सकते हो वॉइसेस वगैरह में, तो टेबल काफ़ी मदद करती है लर्निंग में। ठीक है, सो टेबल और चार्ट्स का यूज़ कीजिए जो आपको बार बार आपके दिमाग में पिक्चराइजेशन उससे आता है। अगली जो है रिवीजन, सबसे मेन और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़। सब कुछ कर लीजिए लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, रिवीजन नहीं लगाओगे, करके नहीं देखोगे तो सब फ्लॉप है। इसलिए जितना सीखा उसका रिवीजन ज़रूर है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट है, उसको क्या करिए रिवाइज ज़रूर करते जाइए। रिवीजन करने से आपका जो है वो इम्प्रूवमेंट चालू होता है और आपको जो जहाँ भी आपको कमी मिलती है आप वापस से चेक कर लेते हैं। रिवीजन करेंगे तो आपके लिए पूरा जो आपका जितना भी सीखा है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट चालू हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला, आपको जो डाउट होगा फिर चेक कर लेंगे। तो रिवीजन वो है आपका, आपको नियम बनाना है कि रिवीजन के लिए हमें अपने वीकली या मान लीजिए वीक में 2 टाइम्स यू कैन यूज़। ठीक है, आपका कंप्लीट रिवीजन होता चले जहाँ तक आपने पढ़ा है। एंड द लास्ट वन इज़ वेरी स्पेशल, दैट इज़ डोंट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। हम क्या करते हैं, हमें ये लगता रहता कि ऐसा ना हो हमसे कुछ गलत निकल जाए, ऐसा ना हो मैं कुछ गलत बोल दूँ, ऐसी कुछ चीज़ों के चक्कर में हम कई बार बोलने नहीं चाहते। और इसके चक्कर में क्या होता है कि हम नॉट ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स में भी हमें ये लगता है, हमें स्ट्रक्चर आता है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम इसका यूज़ करेंगे तो ऐसा ना हो डेली, जैसे मैंने भी बोला था, तो हम मिस्टेक करने से डरते हैं। तो मैं कहता हूँ मिस्टेक करिए, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमारे विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, टेक रिस्क इन योर लाइफ। ठीक है, इफ़ यू विन यू कैन लीड। अगर आप जीत जाते हैं मिस्टेक करने के बाद
तो आप लीड करेंगे, एंड इफ़ यू लूज़ यू कैन गाइड। ठीक है, अगर आप लूज़ कर देते हो तो आप बता सकते हैं ऐसा मत करना भैया, गिर जाते हैं यहाँ से। सो दैट इज़ द थिंग, आई होप कि आपको ये 10 टिप्स जो हैं कुछ स्पेशल करा पाएंगी, आपके लिए स्ट्रांग हो बनाएंगी अगर आप इन रास्तों पर चलना चाहते हैं, इंग्लिश लर्निंग की स्ट्रेटजी पर वर्क करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बने, नॉट ओनली स्पीकर, आप इंग्लिश ग्रामर में बहुत अच्छी कमांड बनाएं, अच्छे एग्ज़ाम को निकालें, तो पूरी प्रोसेस के लिए आप अपनी जो प्लानिंग है, जो आपका कहना चाहिए स्ट्रेटजी है, उसको कंप्लीट करें और लग जाइए काम में। इंग्लिश के लिए समय देना चालू कीजिए, इंग्लिश बिल्कुल सरल लगने लगेगी। थैंक यू एवरीवन। और मैं आपको आखिरी में बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो मैं 2 बजे इंग्लिश को आपको पढ़ा रहा हूँ, 2 बजे जो कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस मैं यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ, और 4 बजे मैं आपके साथ साइन डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के प्लस पर, तो प्लीज़ इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपने 7,000 रुपये का ये सब्सक्रिप्शन है, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे उसमें ABLIVE और अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लगेगा केवल 6,300 रुपये। सो इस तरीके से आप जो है प्लस के साथ जुड़ सकते हैं और आपके अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो सकते हैं, हमारी टीम के टॉप एक्सपर्ट के साथ पढ़ने का आपको मौका मिल सकता है। थैंक यू एवरीवन, उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो कुछ दे पाएगा और आप इस पर वर्क करेंगे। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स चैनल आप सभी का फिर से एक बार लास्ट में स्वागत करता है और बाय बाय करता है आप सभी को। थैंक यू सो मच।